नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डेविड। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TV91 पर। दोस्तों, देश में नई लागू की गई सेना भर्ती की योजना अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 4 साल कंप्लीट करने के बाद अग्निवीरों को CAPF और आसाम राइफल्स जैसे बलों में 10% आरक्षण देने का वादा किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि हर एक छात्र की इच्छा ये है कि सेना ज्वाइन करने के बाद जब 4 साल ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद उसके भविष्य का क्या होगा। और इसी की चर्चा में सभी लोग जो छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। पहले तो आरक्षण दे दिया गया है, साथ ही साथ आपको बता दें कि पहले केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया था जिसमें 2 साल की आयु बढ़ाई गई थी। अब एक नया फैसला केंद्र सरकार की ओर से आ रहा है जिसमें कहा गया है कि अग्निवीर जो हैं वो 4 साल पूरे करने के बाद CAPF और आसाम राइफल्स जैसे बलों में 10% उनको आरक्षण दिया जाएगा, और वो आरक्षण जो है वो 4 साल पूरे करने के बाद लागू होगा। चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ और भी बड़ी अपडेट्स के लिए, क्योंकि आप तक हम जल्द से जल्द पहुँचाते हैं हर एक अपडेट्स। तो बने रहिए TV9 के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।